दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका के तीसरे T20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने एक रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी आए शुभमन गिल का साथ निभाने और दोनों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन राहुल त्रिपाठी 35 रन पर आउट हो गए। जब राहुल त्रिपाठी आउट हुए तब भारत का स्कोर 52 रन था 2 विकेट पर। फिर मैदान में आते हैं सूर्यकुमार यादव जो कि आते ही छक्के चौके मारने लगते हैं और उन्हें देख के यह लग रहा था कि वह डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। और देखते ही देखते उन्होंने शुभमन गिल से भी पहले अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद तो वह हर दूसरी बॉल पर बाउंड्री मार रहे थे और जिसके चलते उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया और यह उनका तीसरा T20 शतक था। पारी के दौरान उन्होंने 9 छक्के और 7 चौके मारे जिसके चलते भारत मैच जीतने में सफल रहा। सूर्यकुमार यादव की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। अगर सूर्यकुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा करने में असफल रहता। सूर्यकुमार यादव की यह अच्छी बल्लेबाजी को देखते हार्दिक पांड्या भी काफी खुश थे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।